चलो नव सृजन करे चलो करे नव निर्माण, बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान, इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुँचाना है। बच्चे हैं कोमल, एक दिन खेलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खेलेंगे ये प्यारे को पल। मैं अनामिका आप सभी बच्चों का कोपल कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। बचपन में हमने सभी ने हाथों में ब्रश पकड़ के पेंटिंग की है। पेंटिंग हर किसी के मन को सुकून देता है। अपने मन की अभिव्यक्ति हम रंगों से कागज़ पे करते हैं, मगर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ये शौक कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। पेंटिंग मन को स्थिरता देती है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और हमारी इमेजिनेशन भी बढ़ाती है। तो आज इस कार्यक्रम में हम पेंटिंग की ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि हैं अमन चक्र जी, जो एक कार्टूनिस्ट हैं। ये कहानी और कविता तो लिखते ही हैं और इनकी पेंटिंग जैसे बातें करती हूँ। इनके पेंटिंग में अध्यात्म, पर्यावरण और प्रेम सब झलकती है। अमन चक्र जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे परिचय कराते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमायरा भूषण है। मेरा नाम कवलप्रीत कौर है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गुरु नानक स्कूल में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धि पटेल है, मैं DAV गांधीनगर कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। नमस्ते, मैं लीशा, मैंने इस साल सेंट थॉमस से 10 का बोर्ड दिया है। मेरा नाम पीयूष राजे, मैं शारदा ग्लोबल कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा नाम प्रत्युष सिन्हा, मैं LKG में पढ़ता हूँ। अमन जी, ये कला का सफ़र जो है आपने कहाँ से शुरू किया, कब आपने ब्रश, कैनवस और कलर से दोस्ती कर ली? मेरी शुरुआत हुई थी कार्टून कला से। चित्रकला का एक अभिन्न अंग है कार्टून, रेखांकन से ही शुरू होते हैं, तो कार्टून मेरा सफ़र का आरंभ है और मैं 1986 से शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। अच्छा। कार्टून बनाना जितना सरल लगता है लोगों को, उतना सरल है नहीं। उसके साथ भावों का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है। तो कार्टून बनाना हमारा पहला कदम है और उसी से हम शुरू किए थे और चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे इस कला को निखारने में? मेरे पापा हैं। अच्छा, वो भी क्या पेंटिंग करते? स्वर्गीय सत्यनारायण नाटे। अच्छा, वो पेंटिंग बनाया करते थे, लेकिन उनके साथ ये था कि जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे, जिसके कारण वे इस चीज़ को निभा नहीं पाए, लेकिन हमें गाइड करते रहे। जहाँ जैसी संभावना होती थी वो समय समय पर हमें बताते रहे। आप हैं तो डाल्टनगंज में, लेकिन दिल्ली तक आपने काफ़ी नाम कमाया, तो डाल्टनगंज से दिल्ली तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? कभी भी निराश नहीं रहता, बस काम करना शुरू किया। और 1997 में पहली बार दिल्ली गया था। अच्छा। और 1997 में दिल्ली जाने के बाद कला दीर्घाओं में घूमने का मौका मिला और उनकी कलाओं को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ, कोशिश करनी चाहिए और हर इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ और कोशिश करने के कारण ही मैं यहाँ तक कामयाबी के शिखर पर पहुँचा हूँ। आपने बताया कि एज अ कार्टूनिस्ट आपने शुरू किया, तो वो क्या पहला कार्टून जो आपने बनाया था वो आपको याद है, वो कहाँ प्रकाशित हुई थी? जी, पहला कार्टून मेरा 1986 में बनाया था, जो 1987 में छपा था और दिल्ली से प्रकाशित होने वाली प्रकाशन विभाग की पत्रिका थी बाल भारती। अच्छा। तो बाल भारती में मेरा पहला कार्टून छपा था और उसका पारिश्रमिक मिला था 250 रुपये। अच्छा अच्छा। मेरी पहली कमाई 250 रुपये 1987 में। अच्छा। तो ये कार्टूनिस्ट से फिर आपने ये पेंटिंग बनाने का कैसे सोचा? वही 1997 में मैं गया ना, तो देखने के बाद वही शुरू किया मैंने पेंटिंग बनाना। अच्छा। और लंबा सफ़र हुआ जो 1997 में देखने के बाद बनाना शुरू किया,
और 2008 में मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ था दिल्ली के पूर्व संस्कृति केंद्र लक्ष्मी नगर से। वहाँ से आपकी शुरुआत जी और वहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी। पहला एग्जीबिशन था और पहले एग्जीबिशन से मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी कि सारी पेंटिंग जितनी 36 पेंटिंग थी 36 की 36 पेंटिंग मेरी बिक गई थी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यही थे कि उसमें लोगों ने देखा और छोड़ दिया, पता ले लिया, सब कुछ एड्रेस वगैरह सब फ़ोन नंबर वगैरह ले लिए और चुप हो गए। 2009 में वो फरवरी या जनवरी के लगभग में मुझसे संपर्क किए। अच्छा, तो उसके बाद बातचीत हुई, डील हुई और पेंटिंग को फिर उनके जगह पर शिफ्ट करना पड़ा जहाँ वो। वहाँ से शुरुआत आपकी। अब बच्चे बहुत उत्सुक हैं आपसे सवाल करने के लिए, आइए उनके सवाल लेते हैं। अमायरा, आप अपना सवाल पूछिए। सर, हमें ये बताइए हमें पेंटिंग बनाने के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। पेंटिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कहीं गलत लाइन हो जाती है उसे मिटाने के लिए रबड़ चाहिए, है ना, इरेजर। अब पेंसिल को साफ करने के लिए शार्पनर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्रश भी चाहिए। अब ब्रश दो तरह के होते हैं, समझ गए, एक राउंड ब्रश होंगे, एक फ्लैट ब्रश होंगे, और इसमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। आपको ब्रश से काम करने होंगे तो ब्रश से काम होंगे, पेन से काम करने होंगे पेन से आप काम करोगे, या आपको स्केच पेन से काम करने हैं तो स्केच पेन से काम करोगे। और कलर्स, अब कलर में है कि कलर आपको ब्लैक कार्टून के लिए ब्लैक इंक चाहिए ना, ब्लैक इंक आपको ब्रश में लेकर काम करने हैं ऐसे, ये लिए और ये हमें कार्टून बनाने हैं। प्रत्युष बहुत उत्सुक है। प्रत्युष, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना है सर से? सर, मुझे कार्टून बनाना बहुत पसंद है, क्या आप मुझे कार्टून बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, आपको कार्टून बनाने हम क्यों नहीं सिखाएंगे। बच्चों में हमेशा क्रिएशन तैयार रहता है, हर आदमी आर्टिस्ट है और हर बच्चा में क्रिएशन होता है। तो ये आप देखो, पहले नंबर हम पहले उस फेस को देखते हैं, ये देख लो ध्यान से देखो, पहले तो पेंसिल से ड्राइंग करनी होगी, उसके बाद आपको ब्लैक इंक चलाने होंगे। ब्लैक इंक चलाने के बाद उसके आकर्षण बढ़ जाते हैं, खूबसूरत लगने लगेंगे, वो चित्र उभर कर सामने आ जाएगा। फिर आपको इसके ये ब्लैक इंक चलाने के बाद ये तीन भाव हम बना रहे हैं, ये तीन भाव अति आवश्यक हैं। एक तो खुशी, हर्ष, दूसरा थोड़ा आश्चर्य करना और एक समय समय पर कोई प्रतिक्रिया देते हुए गुस्सा हो जाना। अच्छा, ये तीन भाव हम यहाँ पर रख रहे हैं। ये ज़्यादातर जब खुश होते हैं तो उछलते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी उनके अंदर आ जाएगी, तो वो आपको करना है। पेंटिंग का शुरुआत हम कार्टून से ही किए थे और कार्टून में रेखांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी कार्टून के माध्यम से बहुत बड़े बड़े विद्वान भी कह चुके हैं कि एक कार्टून 100 कॉलम के बराबर होते हैं। कार्टून में आप गहरी बातें भी आसानी से कह देते हैं हंसते हंसते, ये चीज़ है कार्टून। जैसे घर में खाना बनाते हैं आप, अगर खाना में अगर नमक न पड़े तो स्वाद नहीं रहेगा, तो वही स्वाद का काम करता है ये कार्टून। हर तरीके के भाव बहुत तरह के एक्सप्रेस कर सकते हैं जीवन में, बहुत तरह के विडम्बनाएं घूमती रहती हैं, तो उसमें कार्टून जो है उस चीज़ को कम करने की कोशिश करता है। आप हंसते हैं, अगर चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आती है कार्टून के माध्यम से,
तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कार्टूनिस्ट की। हम तो यही जानते हैं, बाकी सब कार्टून का कॉलम बहुत पहले से एक गाता बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कोना डब्बू जी ये बड़ा फेमस ये वो आबे सुरती कार्टून कोना जो था तो आबे सुरती जी का ये था, डब्बू जी उनके पात्र थे। और वो धर्मयुग में शुरू हुआ था और धर्मयुग के लास्ट पेज पर तीन कॉलम का वो कार्टून हमेशा चला करता था। कमलप्रीत अब आप अपना प्रश्न पूछिए। सर कलर कितने तरह के होते हैं? कलर 12 शेड आते ही हैं और 12 शेड को आप मिलाकर बहुत सारे शेड बना सकते हैं, बहुत सारे शेड बना सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं। और हर कलर का अपना महत्व होता है, जैसे लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, काला रंग, सारे सफ़ेद, सब रंग एक दूसरे सबके अपने अपने महत्व, लेकिन एक के साथ दूसरा मैच करते हैं तो भाव बदल जाते हैं, है ना। लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक है, काला रंग आक्रोश का, क्रोध का, है ना, ये सब फिर अंधकार का प्रतीक मानते हैं। और कलर मिक्स करके भी हम लोग कई बहुत शेड्स सारे बनाते भाव हैं। चेंज हो जाते हैं जहाँ जो जैसा कलर है उसके साथ दूसरे मिलने के साथ। इन लोग को कलर मिक्सिंग करके आप कुछ बताइए। कार्टून तो प्रत्युष सीखा है अभी कुछ बनाना, अब कलर मिक्सिंग करके हम लोग दिखाते हैं इन लोग को। जी रेड के साथ आप मिक्स कीजिए ब्लैक को, ये मैरून हो जाएगा, फिर और थोड़ा सा मिला लिए तो लाइट मैरून हो जाएगा, ठीक है। अब इस रेड के साथ अगर हम येलो मिलाते हैं तो ऑरेंज हो जाएगा, जी देखिए ये ऑरेंज हो गया। रेड के साथ येलो ऑरेंज हो जाएगा, अब येलो के साथ हम लोग ब्लू मिला लेते हैं, है ना जी, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ब्लू येलो और ये रेड के साथ रेड और ब्लू को करते हैं तो पर्पल कलर किया गया। ब्लू और इसको मिलाकर येलो को ग्रीन बना सकते हैं और कई तरह के ग्रीन हो जाएंगे, जिसमें अगर और येलो मिलाते हैं तो लाइट ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर आप इसको ब्लैक मिलाकर करते हैं तो दूसरा कलर भी हो जाएगा, ये डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो हर कलर का अपना महत्व है। सर चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में कितने टाइप्स ऑफ पेंटिंग प्रचलित है? कला की शुरुआत, चित्रकला की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम हम समझते हैं कि पाषाण काल से, जब पत्थरों का युग था, जो लोग गुफाओं में रहते थे तो उसी समय पत्थरों पर बनाया करते थे। और चित्रकला हमारे मनुष्य के उत्थान के साथ आरंभ हुई है। ये चित्रकला सभी विधाओं में, सभी कलाओं में चित्रकला सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक युग में होते हुए दूसरे युग को वर्णन कर सकते हैं। और चित्रकला की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे रूप आकार प्रकार सब बदले हुए हैं। जैसे आप मॉडर्न आर्ट जिसको कहते हैं आधुनिक कला, वो भी है। शास्त्रीयता में जैसे किसी का पोर्ट्रेट वगैरह बनाना हो गया, फिर आ गए हम लोक कला। लोक कला हमारे जनजीवन की कला है, हर घर में लोक कला बनती है। पेंटिंग जब दीवारों पर कोहबर बनते हैं ना, शादी ब्याह वगैरह के अवसर पर या बच्चे की जन्म के छठी वगैरह पर बनते हैं कोहबर, तो उसी समय ये काम होता है। चित्रकला का भी दो आयाम है, एक में तो हम उसकी कलाकृति जो मूर्ति जी मूर्त मूर्त भी होता है, अमूर्त भी होता है। तो मूर्त में आप कोई भी चित्र बना सकते हैं, अमूर्त में क्या है कि आप रंग का प्रभाव दिखा सकते हैं, हर रंग का अलग अलग प्रभाव है, उस रंग को आप उस पर वर्णित कर सकते हैं। सर मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताइए, उनमें कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं? देखिए मधुबनी पेंटिंग बहुत प्राचीन राम के समय से चल रही है, राम और सीता के समय से। राम जी की ससुराल है मिथिला, वो उसके लिए वहाँ पर जब आए थे
तो उनके कोबर को सजाया गया था। कोबर का मतलब है कोबर, यानी कि कक्ष बर का, तो बर का कक्ष है वो, यानी उसको सजाया गया था इस पेंटिंग से, और वो घर की महिलाएं ही करती थीं। तो उसी समय से वो प्रचलित है, और उस समय लोग जो पारंपरिक रंग, कौन कौन से रंग, हाँ पारंपरिक रंग जो होते थे घर का, वो जैसे लोग हल्दी की यूज करते थे, गोबर यूज करते थे, फिर पत्तियों का रंग जैसे होता था उसको निचोड़ कर करते थे, उन लोगों उस उन रंगों से काम करते थे। अब आज क्या करते हैं कि आज बाजार में बहुत सारे रंग, जैसे मैंने दिखाया, इसमें मेन कौन कौन से रंगों का यूज होता है उसमें, यही चटकीले रंग, मधुबनी पेंटिंग में चटकीले रंग खूब आते हैं। अच्छा, अच्छा। उसमें सारे रंग काम करते हैं। अच्छा। वो आकर्षण के केंद्र इसीलिए होते हैं कि पूरे विश्व में यहाँ से मधुबनी, झारखंड की ये ट्राइबल आर्ट सोहराई जो है जी, बहुत लोकप्रिय है जी, तो उसके बारे में बस उसी की शाखा है, मधुबनी पेंटिंग और सोहराई वारली आर्ट और गोंड, ये सारे लोग, सारी जो पेंटिंग है वो सारी पेंटिंग इस लोक कला के अंग है, जो अलग अलग प्रांत सब प्राकृतिक होते हैं, हमारे जीवन शैलियाँ हमारी उसमें शामिल होती हैं। जैसे शादी ब्याह के समय में कोहर बनते हैं तो उसमें चलते हैं, तो सारे कुछ वही दिखाते हैं, फिर चिड़िया, घोड़ा, हाथी, पालकी, ओगर पत्तियाँ। अच्छा, आर्टिस्ट जो है वो हमेशा ब्यूटी की तरफ आकर्षित होता है, तो आपका आकर्षण जो है कि वो प्रकृति है। अच्छा। प्रकृतिक, प्राकृतिक है, सुंदरता जो है प्राकृतिक है, हम किसी भी चीज़ को देखकर आकर्षित हो सकते हैं, तो खूबसूरती जो सामने दिख रही है उस खूबसूरती को हम कभी, ऐसा लगता है आज तो लोग कैमरा में कैद कर लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे कि बना लेते थे, और वही प्रचलन आज भी है। राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ द मॉडर्न आर्ट कहते हैं, उनकी पेंटिंग्स की कुछ विशेषता बताइए और कुछ कंटेम्प्रेरी पेंटर्स के नाम बताइए। उनकी पेंटिंग में विशेषता ही विशेषता थी, वो बहुत बारीक और फाइन आर्टिस्ट थे, है ना, बहुत मजे हुए कलाकार थे, और उनकी पेंटिंग में शास्त्रीयता बहुत ज़्यादा थी, बहुत चिकने रंग का काम करते थे, ऑल पेंटिंग करते थे। उस दौर के दौर में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट थे जो फाइन आर्ट में काम करते थे, तो उनकी खूबसूरती इस बात की थी को पौराणिक पात्रों को भी बड़े आसानी से कैनवास पर लाकर हम लोगों के जीवन में उतारे, बहुत सारे चरित्र को ऐसे लाए जैसे हम जिनको कभी जानते नहीं थे, इतिहास पढ़ते थे लेकिन उनकी छवि हमारे दिमाग में तैयार नहीं होती थी। नल, दमयंती, शकुंतला और दुष्यंत, ये लोग जो पात्र थे, लव कुश, सीता, सीताहरण, रावण के साथ, और उस सारे कुछ को ऐसे वर्णन करते थे जैसे हम अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, तो वही कारण है कि हम उनको। और कंटेम्प्रेरी पेंटर्स की भी नाम बहुत सारे, एक तो आपने लिया ही है सब, हुसैन है, एस एस रजा हो गए, वासुदेव गालतुंडे हो गए, अंजुलि ला मेनन हो गई, अर्पणा कौर हो गई, अमृता शेरगिल हो गई, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों की बहुत लंबी सूची है। पेंटिंग लगता है मुझे एक नशा है, एक ऐसी कुमारी है कि पेंटर जो है वो खुद से संघर्ष करता रहता है, उसे हर बार अपनी पेंटिंग में कोई ना कोई कमी तो दिखाई दे जाती जी, है बिल्कुल। और जब वो दूसरा बनाता है तो वो उससे लगता है कि मैं इससे अच्छा बनाऊं। नशा तो है ही, ऐसा नहीं है कि नशा नहीं है, नशा है, हर चीज़ की नशा होती है, पेंटिंग तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नशा है, लेकिन काम करते समय जब काम करते हैं, हमारे अंदर हर आदमी के अंदर एक शिक्षक होता है, और जब वो काम करने बैठता है तो छात्र बनकर काम करता है, वो अंदर से अपील करता है, वो प्रेरित करता है कि आप काम कर रहे थे ऐसे, ये जो बना रहे हो आप, तो इसको इस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो चीज़ को फिगर तैयार करता है। जैसे कोई गुरु किसी बच्चे को बताता है कुछ काम करने को, उसी तरह से अंदर का गुरु जो है, हमारा मन और हमारा मस्तिष्क, ये दोनों
कारगर होते हैं उसमें वो प्रदर्शित प्रेरित करते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप ऐसे ही काम करते चलिए। ये पेंटिंग जो है एक्चुअली अमीरों की बसाई हुई दुनिया है, तो कला के बाजार में आपकी पेंटिंग कैसे पहुंची? ये तो थोड़ा कहने की बात है लेकिन अमीरों की चीज़ है, लेकिन अमीरों की चीज़ नहीं है। अब तो घर, हम तो पहले बताइए, लोक कला जो है वो घरेलू जिंदगी से उभर के आई है, लेकिन बहुत सारे जो महंगे पेंट ब्रश और कैनवास हो गए हैं जिसके चलते अमीरी होते हैं। और मुगल काल में ज़्यादातर लोग जो राजा जो सम्राट हुआ करते थे वो क्या करते थे कि अपने दरबार में चित्रकारों को रखते थे और उनसे चित्रकारी किया करवाया करते थे, अपने दरबार में बैठे लोगों के साथ, अपने जो अतिथि आते थे, विदेशी अतिथि आते थे, उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करते थे, उस चीज़ को चित्रकार उसको प्रदर्शित करता। बहुत ऐसे चित्रकार हैं जो अपने चित्रकला से चौंका रहे हैं, तो ये बच्चे जो हैं वो क्या ऐसा खास करें कि वो अलग उनकी पहचान बन सके? देखिए जैसे हर चीज़ का टेस्ट बदलता है, जब खाना के लिए आज कुछ खाएँ तो मन करेगा कि कल कुछ और खाएँ, इसी तरह से ये जो जीवन में जो हमारे साथ है वो चीज़ कला में है। कला में भी जैसे जीवन का अंग है ये हमारा जो हम कला, हम काम कर रहे हैं तो सोचते हैं कि कुछ अलग करें हम, तो जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक हमारी पहचान नहीं बनेगी। अपना जो उनका इमेजिनेशन है वो अपनी इमेजिनेशन को रखें, किसी की कॉपी नहीं करें, नहीं करनी, कॉपी नहीं करनी है। आप किसी चीज़ को समझिए, समझने के लिए ठीक है, आज बहुत जल्दी लोग कोई भी चीज़ को सर्च करने लगते हैं, गूगल पर चले जाएंगे सर्च करने लगते हैं, बड़ा आसान है, वहाँ से बहुत आसान है। हम लोग के समय क्या होता था कि हम लोग किताबें पढ़ते थे, उनकी छवि तैयार करते थे दिमाग में, अब आज तो ऐसा नहीं है। सर मैं अपना करियर पेंटिंग में बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सही मार्गदर्शन दें कि मैं आगे जाकर कहाँ से कोर्स कर सकता हूँ? पेंटिंग में करियर बनाने के लिए बहुत सारे स्कोप हैं, आप अगर इसमें आते हैं तो ये मत सोचिए कि केवल हमको पेंटिंग बनाएंगे कैनवास पर और वो गैलरी में जाएंगी और बिकेंगी और हमको पैसे आएंगे, नहीं। आरंभ में जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टून से शुरुआत किए थे, तो कार्टून से मुझे पैसे आते थे, उस पैसे से हम कागज़ कैनवास वगैरह रखते थे, खर्च हमारे होते थे। तो आप कार्टून बनाना सीखिए, आप चित्रकथा बनाना सीखिए, आप पोस्टर मेकिंग कीजिए, आप ग्रीटिंग कार्ड का डिज़ाइन कीजिए, आप पुस्तक, बहुत सारी किताबें साहित्यिक किताबें छपती हैं, उस किताब का आप कवर बनाइए, बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं आपका काम करने के। फिल्मों में भी, टीवी में भी, हाँ, टीवी में जो एनिमेशन चल रहे हैं, आपके अंदर क्रिएशन है तो आप डिजिटल आप काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पर बैठकर भी काम कर सकते हैं। पहले था कि पेंटिंग जस्ट एक शौक था, लेकिन अब इसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं, अब बहुत ज्यादा जरूरी है आज के युग में। अगर आपके अंदर जो संवेदनाएं मर रही है तो संवेदनाएं को जिंदा रखने के लिए कला जरूरी है, जरूरी है, सही बात। जो अभिभावक अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप आर्टिस्ट जरूर बनाइए, चाहे वो नृत्य, संगीत, गायन, वादन, किसी भी क्षेत्र से हो, आप उनको कीजिए, चित्रकला हो, आप जो बच्चे में खूबी है उस चीज़ को उभारने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, शिक्षक बनाइए, आईएएस आईपीएस जो बनाना है बनाइए, सीए बनाइए, लेकिन सर्वप्रथम आपको कला जरूरी है, एक कला जरूर सीखे, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो या चित्रकला। और बच्चे जो हैं जिनको पेंटिंग में रुचि है तो ये अपनी शुरुआत पेंटिंग से तो करें, लेकिन ये आगे अपने को अलग बिल्कुल दिखाने के लिए इनको कुछ आप ऐसा टिप्स दीजिए कि अपनी पेंटिंग में उभार ला सकें सारे बच्चे अभी। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में सारे काम करते हैं, है ना, जैसे सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं, वो सब काम करते हैं, सारा फ्रेश होने का सब काम करते हैं, खाना खाते हैं, तो ही दिनचर्या में हमको पेंटिंग शामिल करनी है। एक घंटा, 24 घंटे में एक घंटा हमको पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, ड्राइंग ही आत्मा है, समझ गए? तो आपको सर्वप्रथम आपको यही करना है, ड्राइंग हमेशा कम एक घंटा समय पर करना है, कितना भी व्यस्त रहो आप एक घंटा जरूर निकालिए ड्राइंग करने के लिए। तो बच्चे तो स्टार्ट करेंगे वाटर कलर और पोस्टर पेंट से, ये एक्रेलिक और ऑयल पेंट, ये इसकी यूज़ कहाँ होती है और कैसे ये लोग कर सकते हैं?
देखिए सारे पेंटिंग आप ऑल पेंटिंग के लिए आप कैनवास पर काम कर सकते हैं, एक्रेलिक को आप कैनवास पर काम कर सकते हैं, है ना। वाटर कलर के लिए आपको पेपर वर्क करना होगा, पेपर पर काम करना है। अच्छा, ऑयल पेंट जो है वो जब करें तो क्या मतलब लाइटर से डार्क शेड में जाएं या डार्कर से लाइट शेड में जाएं? लाइट से कोई भी पेंटिंग के लिए आप लाइट से डार्क में जाइएगा। अच्छा, ऑयल में भी? हाँ, पेंसिल के स्केच भी कीजिएगा तो आपको लाइट पेंसिल स्केच करना है, ताकि कहीं हमें इरेज करना हो तो आसानी से इरेज हो जाए, नहीं तो गंदगी जो होती है, गलत लाइन जो होती है वो छाप छोड़ देती है, है ना। तो इसके लिए आपको करना होगा लाइट से डार्क की जाए। ललित कला एकेडमी जो है जी, उसमें अपना पेंटिंग, बच्चों के मन होता है कि भाई जब मैं बड़ा हूँ तो उसमें किसी तरीके से मुझे चांस मिले अपने एग्जीबिशन लगा। वहाँ तो आपकी ललित कला अकादमी एक सरकारी संस्था है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ का चयन बहुत कठिनाई पूर्वक होती है। जब तक आपकी चित्रकला में कुछ विशेषता नहीं होती है तो उस चित्रकला को उस नहीं रखते हैं, शामिल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है आप। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कि आप अपनी कला में जान डाल दीजिए, ताकि उस जान का प्रभाव हमारे जो चयनकर्ता रहते हैं उन तक पहुँचे, आप ललित कला। तो ये कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे ये दाखिला पा सकते हैं, अगर किसी को मन है कि मैं इसमें करियर बनाऊँ तो डिप्लोमा कहाँ? BHU जो है बनारस यूनिवर्सिटी, उसमें कला संकाय है, उसमें आप ले सकते हैं। पटना, जहाँ आपके आसपास है उस आसपास के एरिया में देखिए कि कोई आर्ट कॉलेज है, जैसे पटना दरभंगा वहाँ भी एक आर्ट कॉलेज बहुत, वहाँ से आप प्रशिक्षण लेकर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और भी कई जगह जहाँ ज़्यादा दिल्ली भी है, सब जगह है। अच्छा, कोयम्बटूर में भी है, सब जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं, सब जगह आर्ट कॉलेज है, बस आप अपनी सुविधा देखिए और उस सुविधा के अनुसार आप आगे बढ़िए। अब चलते चलते आप बच्चों को कुछ अगर बताना चाहें, कुछ और ऐसा आपके मन में अगर रह गया हो, जैसे मैंने देखा कि आपने किताबों में भी लिखा है, कहानियाँ आपने लिखी और उसकी भी चित्र आपने बनाया है। किताब पढ़ना आप जरूर रखें, मोबाइल आप लोग जितने बच्चे हैं मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, मोबाइल को बस उतना ही यूज कीजिए जितना ज़रूरत है आपको, क्योंकि मोबाइल से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप किताबें पढ़िए, किताबें सच्चा मित्र है वो। अमन जी एक किताब बच्चों के लिए लाए हैं। अमन जी, जैसा इन्होंने बताया कि इनके इंस्पिरेशन इनके पिता रहे हैं, तो ये किताब जो है उन्हीं को समर्पित है। इन्होंने लिखा है और इस पे जितने कार्टून से, ये इनकी पिता की कहानी है और इन सारे कार्टून से इन्होंने खुद बनाया इनके लिए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये किताब आप सारे बच्चों के लिए इन्होंने लाया है। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन अब हम समय के पाबंद हैं। अमन जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत आभार। आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे कि जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी बहुत लाभान्वित हुए हैं और बच्चे, उनका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में अवश्य जागा होगा। कला का ये क्षेत्र अपार है, इसमें संभावनाएं अपार है और आज भारत में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की कला जो है वो व्यवसाय कर रही है। तो जो भी अभिभावक ये देख रहे हैं, अगर उनके बच्चों को इस फील्ड में रुचि है तो ज़रूर उन्हें आगे बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।